आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका मेन मुद्दा और मकसद है, वैसे तो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे मुद्दे हैं और आए दिन देख लीजिए सरकार जो है हर 10-15 दिन के बाद कभी 2248 कभी SRO 43 जो मुलाजमों का है, एक फर्ज जिसको SRO 43 के तहत उसको नौकरी दी जाती थी, तो आज सरकार उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि SRO 43 के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह ये SRO पहले था कि चाहे वो गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड है, उसका जो एक फ़र्द है उसको नौकरी लगाई जाती थी, हमारी ये डिमांड है कि SRO 43 को बिल्कुल छेड़खानी करने की नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार इसको छेड़खानी करती है तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन इस पर हो सकता है। इसके साथ रिगलाइजेशन ऑफ डेली वेजर की हम बात करें, चाहे वो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर है, कंट्रेक्चुअल टीचर है, लेक्चरर है, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, हम कहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने भी इसको इग्नोर किया, सिर्फ अपने इशू सेटल किए, लेकर टेम्परेरी वर्करों के मसले आज 20 से 25 साल हो चुके हैं, अभी तक जूं के तूं पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो ये टेम्परेरी वर्कर हैं इनका इशू सेटल किया जाए। इसके साथ 900 जो सुपरवाइज हेल्पर टू सुपरवाइजर जो सरकार ने टर्मिनेट किए हैं उनको रीइंगेज किया जाए, मेडिकल नर्सेज जो 300 से बढ़ाकर 1000 किया जाए, DA जो पीछे सरकार ने जो रिलीज़ किया है हम ये कहना चाहते हैं उसका 18 महीने का एरियर भी सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर UT बनाया है, जितने लाभ UT में मिलते हैं या बाकी स्टेट में मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को भी मिलने चाहिए। तो इसी पर हमने जो है 7/12/2021 को एक प्रोटेस्ट रखा है जो प्रेस क्लब के अंदर, तमाम मुलाजमों से हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि उस प्रोग्राम को जो है कामयाब करेंगे। अगर सरकार इन इशू को ख़त्म नहीं करती शायद आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ की UT की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम की।